दल नेता कहते कि आम भारतीय जनता पार्टी सां नेता कर मोर परामर्श हो उभय मिसी गोटे प्रेस कन्फरेन्स कर चिंता करी कौन किए क्या आशा कर ये संक्रांत में भल भाव में अति स्पष्ट भाव आम दल नेता माननीय मुख्यमंत्री श्रीमंत नवीन पटनायक स्पष्ट कर सामान दूरता पलिसी ता सत्वे भी उभय दल भितर कंपिटन लगे कहे किए क्या सागर अच्छे एवं जना पड़े अवस्था कौन श्रीकांत जेना कहले जो पटनायक को हटा जा राहुल श्रीकांत बाबू आगे भारतीय जनता पार्टी आभिमुख कौन आगे स्पष्ट कर परोक्षर से समर्थन करते केन्द्र मंत्री थी विगत चार वर्ष भर दिने तो ओडिशा लोक मुह खोल दिने तो कौन बड़ कथ कहले ना आज कांग्रेस आभ्यंतरण समस्या नहीं कि कौन कार्युषान जो टिप्पणी से रखुं संपूर्ण भाव में अमूलक एवं अजुक्तिकर किंतु सर पटनायक एठी तो दुई जन अछन से ए थर्ड पार्टी रे से आगे हम सेइत में प्रश्न करिया पछे आपन को पकरु जदि ये कथा से कहला बळे से भारतीय जनता पार्टी अभिमुख कोन स्पष्ट कर दो आउचित से जोटा कथा रे कोहा हो जो कथा रे न कोहा हो जे आमे उभयला कथा रे बुझु तब स्पष्ट आकार कह जाउचित ताकर अभिमुख कोन से कोन करबे न करबे आ रहिला जो ओडिसा लोकन को दुहाई दई कि से कथा कहउचंती चाकरी कथा हो बा खणी कथा हो अलग कथा एते दिन चुप थिले काही जदि आप खणी एत असुविधा थी कि ओडिशा लुट होता क्षेत्र मंत्री बसते कहीं इस्तफा नदे कहीं से उपय सरकार रेटिफाई करते ये श्रीकांत बाबू कहते कि आम बीजेपी सागर अच्छे बर्तमान ये श्रीकांत बाबू कहते आम कांग्रेस सागर अच्छे तो एक्चुअली कौन फैक्ट है से सीधा कहतु आगे उभय दल आगे निष्पत्ति नहीं जातु कौन हम आम जो बारंबार कहते आम सामान दूरता अच्छे सी उभय ऊपर पड़ी कहते ना तुम्हें सागर सी कहू तुम्हें सागर अच्छे यादव स्पष्ट जना पड़ी किए के पाने श्रीकांत जेना तो नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल आसु जनता दल सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार कांग्रेस विरोध में गर्जी मो पाखे आगे सेम खबर ना आम आदमी पार्टी जो नेता आसुच्चर दलिया आभ्यंतर क्या नहीं आसू जेहतु साधारण निर्वाचन अच्छे से चाहिए ओडिशा कैंडिडेट दे पारती गणतंत्र समस्त अधिकार अच्छे ये आजिकार नुआ अभियोग नहीं दस वर्ष है शुणा ये अभियोग ये अभियोग कौन से भित्ति ना कौन से सत्यता ना कांग्रेस गोटे निर्दिष्ट दल और बहु पुरतन दल सर्व इनफैक्ट सब सर्वपुरतन दल हूँ कांग्रेस दल तक नीति आदर्श अलग भारतीय जनता पार्टी नीति आदर्श अलग विजु जनता दल आंचलिक दल तार नीति आदर्श अलग ये समस्त जिनस को अलग रखीदे परस्पर खाली कथा कहीदे लोक ग्रहण करते ना कि कथा कहीदे कथा सत्य हो जाए ना सीधा सीधा सड़क कहते नरसिंह मिश्र तारा बाहनपति निरंजन पटनायक सौम्य पटनायक समस्ते नवीन सहित मिसिकी अच्छा सौम्य पटनायक आगुरी मिशन पूरा पूरी भाव मिसिकी अच्छा देखो मंत्य से कहीं कौन क्या सी जानते मोर केवल सामान्य कथ जो एत कथा आज कहार तो चार वर्ष भाई चुप थे कहीं से कंग्रेस दल भले कंग्रेस दल से कौन कहले न कहले आम जानू तो कथ सी बुझे दल कथ आज आभिमुख से कहते तो आम विशेष अधिक मंत्य देवार आवश्यकता ना सर आज भूपेन्द्र यादव कहते हैं कि राज्य में सरकार जो योजना करोक पहुंची पार्टी संपूर्ण भाव भूल कथ से निजे कहते कौ योजना पहुंची पार नहीं संघीय व्यवस्था भितर स्पष्ट आकार सरकारी नियमावली हिसाब से कौ स्कीम को द्वारा कहा द्वारा केत समय भितर परिचालन करा जिवो ता प्रोजेक्ट प्रोविजन कौन एटा संपूर्ण भाव में खसड़ा प्रस्तुत हो पंचायत राज विभाग कौन खर्च हो नियमित अच्छे जलसेचन विभाग जो उठा हे नियमित अच्छे डब्ल्यू सी डिपार्टमेंट जो उठा हे नियमित अच्छे स्वास्थ्य जो उठा हे नियमित अच्छे कौटा को करे कथा कह पूर्व सी प्रथम केवल ओडिशा सांगे सारा भारतवासी को उत्तर देवा उचित कि आप एनडीए सरकार को आईला जो 60-40 भाग कले पक्ष रहस्य कौन जहाद्वारा सब राज्य मान आप आर्थिक स्थिति बढ़े ना कमेले जदि बढ़े जो स्कीम गुड़ा प्रणयन कले तो से हिसाब से अनुरूप भाव सब राज्य रिएक्ट कले लोक रिएक्ट करेंगे और सरकार परिवर्तन करेंगे कहते सरकार जदि से लोकों काम करेंगे जदि नवीन पटनायक सरकार जब कम कर लोकों पर क्योंकि आम दृढ़ोक्ति प्रकाश करुचु कि आम जहाँ लोक प्रतिश्रुति आसलु 2014 में आमर जहाँ मैनिफेस्टो था आम गवर्निंग एजेंडा कलु से हिसाब से लोकों प्रतिश्रुति प्रतिश्रुति को पालन कलु पूरण कलु डेवलपमेंट एजेंडा हूँ विजु जनता दल एकमात्र एजेंडा और से एजेंडा को लेकिन आम अतीत लोकों पाखु जाइए आस्था बर्जन एवं नवीन बाबू दक्ष नेतृत्व में डेवलपमेंट एजेंडा को लोकों पाखु नहीं जीवु लोक
ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସାର୍ ଗତକାଲି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହିଲେ ଯେ ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ବିବାଦ ଅଛି ସେ ନେଇ ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ସିଏମ୍ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ନେଇକି ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ନୂଆ ସରକାର ହୋଇଛି ଚାଷୀ ଏବଂ ପାଣି ସପକ୍ଷରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଅଛି ଏବଂ ଜେନୁଆଲି ସେ ମହାନଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରସ୍ତାବ, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅଛି, ଯଦି ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ। ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ହେଉଛି ସରକାରୀ ଉପଚାରିତ, ତାକୁ ଧରିକି ଆପଣ ରାଜନୀତିକ ସ୍ଲୋଗାନ ନେଲେ ସେଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନୀତି ଆଦର୍ଶ କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ବିଜେଡ଼ିର ଭିନ୍ନ, ଗୋଟେ ସମଗ୍ରତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଭିନ୍ନ ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ଏମଏଲଏ ମାନେ କେମିତି ଛୁଆଁ ହେଇଥିଲେ ତେବେ ଦଳ ଅଛୁଆଁ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନେଇକି ନିର୍ବାଚନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲଢ଼ାଯାଏ, ଇଏ ଜିନିଷକୁ ପାଥେ କରି ଅନେକ ଲୋକ କଣ୍ଠରୋଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ସେ ତାଙ୍କ ମତ ନିଅନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, କିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବ, କିଏ ଆଉ କେଉଁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଦଳକୁ ଆସିବ, ତ ଏଭଳି କଥା ରାଜନୈତିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ।